बहुत सारे खाना यहाँ की। मुझे सब्जी अच्छी लगी, दाल ठीक है लेकिन सब्जी काफ़ी अच्छा खाने में मज़ा आ रहा है। राइट गाइस, एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ से। फिर वह यहाँ पे दिखाऊंगा मैं यमुना नदी। ओ माय गॉड, ओके गाइस लंच टाइम। यहाँ पे लंच करते हैं कृष्णा पंजा और भाई। सब्जी अच्छी लगी, दाल ठीक है लेकिन सब्जी काफ़ी अच्छा मज़ा आया। कृष्णा क्या अच्छा लगा बताओ? दाल और यहाँ पे चावल लंच करने आए थे। वैसे टेस्ट ठीक, नॉट बैड। ओके, लंच करने के बाद हम पहुँचे ताजमहल। ताजमहल एंट्री करने से पहले हमने वहीं से ऑनलाइन टिकट बुक किया। आपको 40 रुपये पर पर्सन पड़ेगा टिकट की। अगर आपको आप खुद टिकट बुक नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे मिलेंगे जो आपको 10 रुपये चार्ज करेंगे बुकिंग करवाने की। एंड या गाइस, तो अभी ऑनलाइन सिस्टम है कोविड की वजह से, आपको पता ही है। सो आपको टिकट करना पड़ेगा ऑनलाइन। लाइन पे लगा हुआ है यहाँ पे अंदर जाने के लिए गाइस। बहुत ही ज़्यादा लंबा लाइन है यहाँ पे, काफ़ी यहाँ पे लाइन लग सकती। और कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहना, देख लीजिए। अच्छा, वेलकम बैक टू मिस्टर बाबा गेमिंग। आई होप यू गाइस आर फाइन और वेलकम है आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज हम दिखाने वाले आपको ताज में, एंड आपको मैं सारे दिखाऊंगा जितने घूम सकते हैं, जितने दिखा सकते हैं मैं दिखाऊंगा आपको। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, लेट्स गो। ये देखो गाइस, नज़ारा देख सकते हैं आप। यहाँ से एंट्री करना है पीछे, इसके इस वाले गेट के पीछे देखो ताजमहल, एंड हम वहाँ से एंट्री करेंगे गाइस। ये देखो, ये है मेन गेट, ठीक है। चलो राइट गाइस, एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ से। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। लेट से ही हैप्पी वैलेंटाइन डे सबको गाइस। आपको पता ही है ये महीना जो है लव की सीजन है, एंड मैं कैसे भूल सकता हूँ सिंबल ऑफ लव ताजमहल को। इसीलिए आज के मेरे ब्लॉग जो है ताजमहल की होगा। एंड चलो तो शुरू करते हैं हिस्ट्री से। मुगल साम्राज्य का राजा शाहजहाँ ने बनाया था ये ताजमहल 1632 में। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया था ये ताजमहल, एंड ताजमहल को डिज़ाइन एंड बनाया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, जिनको जिस जिनके अंडर में ना 20,000 कारीगर काम करते थे। एंड ताजमहल संसार के 7 अजूबों में से एक है, जिसको 7 वंडर्स भी कहते हैं हम। अब इसकी स्ट्रक्चर और सराउंडिंग की बात करें तो ये व्हाइट मार्बल से बने गए हैं, और ये इसके चार प्रवेश द्वार है, और ये ब्यूटीफुल गार्डन से घिरे हैं। एंड इसके आसपास मेहमान खाना और मस्जिद भी है।
एंड जो ताजमहल है ये यमुना नदी के किनारे में बनाया गया है। सो ब्यूटीफुल गाइस। पहले यहाँ पे पानी की भी सुविधा होता था, अगर उस तरफ है जहाँ उधर से पानी ले रहा है एक बंदा, वहाँ से पानी ले सकते, पानी जल की भी सुविधा है। और यहाँ पे बेहद गंद है यहाँ पे। तो चलो हम जा रहे हैं, यहाँ पे रिपेयर हो रहा है गाइस, एंड देख सकते हो आप मोनो में। मेहमान खाना, सॉरी मेहमान खाना, शायद से यहाँ पे मेहमान को खाना खिला था। बहुत ही बड़ा कंपाउंड है, इसी के साइड यहाँ पे ताजमहल है। एंड यमुना नदी भी दिखा देंगे हम आपको। चलो गाइस, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा मैं यमुना नदी। ओ माय, आप देख सकते हो यमुना के उस पार। ये कहा जाता है कि ये भी शाहजहाँ बना रहे थे, यहाँ पे शाहजहाँ ब्लैक ताजमहल बनाने वाले थे, एंड ये इनकम्प्लीट ही रह गया क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उनको बंदी कर दिया था उस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत खर्च कर रहे थे ऐसे टर्म बनाने के लिए, एंड राज्य के बहुत धन इन्होंने खर्च कर दिया था। तो इसीलिए इन्होंने, अब जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये है आगरा की रेड फोर्ट, जहाँ पे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर दिया था। एंड ये ऐसे ही इनकम्प्लीट है ब्लैक ताजमहल। फाउंटेन है यहाँ पे, बहुत बढ़िया फाउंटेन, बहुत सारे यहाँ पे फ्रंट साइड ऑफ द ताजमहल गाइस। चलो तो सीढ़ी है और निकलते हैं गाइस, बहुत लेट हो गया, हमें कहीं पे भी और दूसरी जगह भी जाना है। चलो चलो चलते हैं गाइस। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही। मैंने जितना हो सके मैंने देखा कि आपको ताजमहल की व्यू सीनरी मोनोमेंट्स जितने भी बिल्डिंग्स है सब आपको दिखा दिया, एंड थोड़ा बहुत नॉलेजेबल चीज़ भी आपको मैंने बता दिया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फिर लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबा देना और शेयर भी कर देना, एंड मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय गाइस।